जिला मुख्यालय धर्मशाला के इंद्रू नाग पैराग्लाइडिंग साइट में पैराग्लाइडिंग गतिविधियां शुरू हो गई हैं। पैराग्लाइडिंग शुरू होने पर पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया है। पैराग्लाइडिंग गतिविधियां शुरू करने को लेकर पर्यटन विभाग की ओर से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया गया है। सभी पैराग्लाइडर्स पायलट्स को दिशा निर्देश जारी करते हुए एसओपी की अनुपालना सुनिश्चित करने को भी कहा गया है, जिसके तहत पैराग्लाइडर पायलट और पर्यटक द्वारा मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना, इसके अतिरिक्त लैंडिंग के उपरांत पैराग्लाइडर पायलट और उसके साथ उड़ान भरने वाले पायलट की सीट को सैनिटाइज करना प्रमुख रूप से शामिल है। पैराग्लाइडिंग की शुरुआत की सूचना मिलते ही काफी संख्या में बाहरी राज्यों से भी पर्यटक पैराग्लाइडिंग के लिए धर्मशाला पहुंच रहे हैं। राजस्थान, पंजाब, दिल्ली सहित अन्य राज्यों के पर्यटक जो कि साहसिक गतिविधियों का शौक रखते हैं, इंद्रू नाग पैराग्लाइडिंग साइट पर पैराग्लाइडिंग के रोमांच से रूबरू होने पहुंचे हैं। हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर खोल दिए गए हैं, जिसके कारण भी लोगों ने अब हिमाचल का रुख कर लिया है। पर्यटकों ने बताया कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से भरपूर है, इसी के चलते हिमाचल के पर्यटन स्थलों के भ्रमण और पैराग्लाइडिंग साइट पर पैराग्लाइडिंग के लिए वे धर्मशाला पहुंचे हैं। पैराग्लाइडिंग करवाने वाले पायलट्स का कहना है कि काफी समय से वे घर पे बैठे थे, अब साहसिक गतिविधियां खुलने की अनुमति और बॉर्डर खुलने से उनकी कमाई की आस जगी है। बाहर से आए पर्यटक तो उन्हें काम धंधा दे ही रहे हैं और लंबे समय बाद शुरू हुई साहसिक गतिविधियों के लिए पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन का वे आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही प्रदेश सरकार का भी आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनिल है और मैं पिछले 10 साल से फ्लाई कर रहा हूं और पिछले लास्ट 6 महीनों से कोविड के चलते ये पैराग्लाइडिंग बंद थी, तो हम सभी फ्री थे। अभी खुशी है और धन्यवाद करना चाहते हैं हमारी गवर्नमेंट का कि इन्होंने वापस ये बॉर्डर्स खोल दिए हैं और हमारी पैराग्लाइडिंग भी ओपन हो गई है। से हम सब लोग, जितने भी लोग बैठे थे, उनको सबको रोज़गार मिला है, दोबारा से रोज़गार खुला है, लोग आना शुरू हो गए हैं, पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है, काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह की गाइडलाइंस आपको दी गई हैं, क्या कुछ सावधानियां कोविड के चलते आप? हमें डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म से जो SOPs दी गई हैं उसमें ऐसा है कि जैसे कोई कस्टमर आता है तो उसका सबसे पहले टेम्परेचर चेक करना है, फिर उसके सैनिटाइज वगैरह करके जो उसके साथ पायलट जाएगा वो पूरा ग्लव्स पहन के, मास्क पहन के और जाएगा, और जब लैंड करते हैं उसके बाद जो हमारा इक्विपमेंट है उसको हम लैंडिंग में ही पूरा जो इक्विपमेंट है, ग्लव्स है या हमारे कैमराज है और जो भी गियर हम इसमें फ्लाइंग में यूज़ करते हैं उसको सैनिटाइज किया जाएगा और फिर दोबारा उसको नेक्स्ट, जैसे अब नेक्स्ट फ्लाई के लिए फिर उसको रेडी किया जाएगा। कितने खुश हैं और कितनी उम्मीद है अब जो आपका रोजगार शुरू है उसको लेकर? खुशी है, अभी देख ही रहे हैं सबके, लोगों के चेहरे पे मुस्कान है, बिछा रहे हैं ग्लाइडर, मौसम का आनंद ले रहे हैं, फ्लाइंग के मज़े लेने आए हैं, लोग कस्टमर भी आए हैं, ये भी बहुत खुश हैं कि दोबारा से शुरू हो गई। हमें तो फ़ोन ही आते रहते थे कि कब से फ्लाइंग खुलेगी, कब बॉर्डर खुलेंगे, कब वो अपने वहाँ से यहाँ धर्मशाला या हिमाचल घूमने आएंगे और पैराग्लाइडिंग का लुत्फ़ उठाएंगे, तो सब लोगों में खुशी है जी। मेरा नाम प्रदीप है और मैं यहाँ से कम 7 साल से पैराग्लाइडिंग कर रहा हूँ। इंद्रनाग जो धर्मशाला एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब है, इसके अंतर्गत हम काम करते हैं और भी जैसे एक्टिविटीज़ है, जिप लाइन भी करवाते हैं और ट्रैकिंग वगैरह के सभी काम करते हैं। इतने दिनों से कोविड के चलते जो काम बंद था, अभी जो हमारी भारत हिमाचल सरकार ने जो अभी इसको जो इसकी गतिविधियों को इजाज़त दी है शुरू करने की, उससे हम हमारे जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, दुकानदार हैं, सभी के लिए ये एक मौका होगा काम करने का दोबारा से, क्योंकि 8 महीने से बिल्कुल कोई काम नहीं था, क्योंकि जो हिमाचल की जितनी भी जगह है वो डिपेंड करती हैं टूरिज्म पे और ये पूरा बंद होने के कारण सभी की आजीविकाओं पर भी असर पड़ा है और काफ़ी जो माली हालत है वो ख़राब हुई है। लेकिन अब हमें उम्मीद है कि सभी के लिए अच्छा ही होगा जो भी काम शुरू किया है। तो देखिए, पैराग्लाइडिंग हर साल जो है 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक जो है, जो मानसून का जो सीज़न होता है उसमें बंद रहती है। इसी प्रकार इस बार भी 2 महीने ये बंद रही थी और अब जो है सभी पैराग्लाइडिंग एसोसिएशंस को पैराग्लाइडिंग को दोबारा से चालू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। परंतु क्योंकि कोविड के का समय है और हमें अपने बचाव भी करना है और जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको इंश्योर करना है कि उनका भी बचाव रहे और उनको भी हम सेफ तरीके से फ्लाई करवाएं, उसके लिए कुछ SOPs जो है वो विभाग द्वारा जो है जारी किए गए हैं,